मनु जी महाराज देवताओं के आग्रह पर भी, निवेदन पर भी, परम धीर नहीं चलहिं। तब परमात्मा श्री हरि मांगू मांगू परु भय न स्वरूप भरी कौन जो स्वरूप बस शिव मन माही जहि लागे मन जतन कराही जो बुसुंड मन मानस हंसा सगुन अगुन जहि निगम हम वो स्वरूप दर्शन करना चाहते। भगवान को भगत की वाणी अति प्रिय लगी, ये पंक्ति दर्शन करिए। दंपति बचन परम प्रिय लागे and
निधान पुनि अति प्रसन्न मोर जान के चरणों में गिर पड़े, पकड़ लिए कसके, क्यों कहीं भगवान चले तो जाए। अलभ्य लाभ मिलता है तो उसके खोने का डर भी उतना ही उपस्थित रहता है। अगम वस्तु कोई मिल जाए तो बस चित्त में वो बात आती है, हाथ हो गए कहीं चले तो नहीं जाएंगे। मनु जी ने पकड़ लिया पांव, भगवान ने सर पर हाथ फेरा और उठाया। राजन, दानियों में श्रेष्ठ दानी मानकर हमसे आपकी जो इच्छा हो मांग लीजिए। मनु जी महाराज ने कहा, प्रभु आपके श्री चरण के दर्शन भय हमको जो मिलना था सब मिल चुका। ऐसा है नहीं, अलभ्य लाभ प्राप्त हो तो खोने का गम बना रहता है। गम नहीं, भय, जाता ही नहीं है। उर्दू खोने का भय बना रहता है कब? जब बहुत महत्वपूर्ण वस्तु पास में आ जाए तो ये भय जाता नहीं है, बने रहता है। मनु जी महाराज ने कहा, प्रभु सब पूरे हो गए, एक लालसा बड़ी उर्माही। आपको देने में सुगम है, हमको कहने में अगम है। कैसे? जैसे दरिद्र को कल्प वृक्ष मिल जाए तो वो बहुत संपत्ति नहीं मांग सकता है, क्योंकि उसकी मांगने की एक सीमा है, कितना मांगेगा। देखिए, सबसे मांगते भी नहीं बनता, सबसे देते तो बनता नहीं, सबसे लेते भी नहीं बनता है। हर आदमी के लेने देने की अपनी अपनी सीमाएं। भगवान मुस्कुराए और बोले, राजन संकोच का त्याग करिए। सकुच बिहाय मां द्रप मोह मोरहि नहीं अदेर कर सुतो।
हे राजन, आपके हृदय में जो हो वो मांग। मेरे को कुछ भी अधेय नहीं है, आप जो मांगेंगे वही हम आपको प्रदान करेंगे। ऐसा प्रभु कह रहे हैं। मनुष्य मात्र की जो मांग है वो संसार के व्यवहारिक वस्तुओं की रहती है। घर मिले, परिवार मिले, संसार मिले, व्यवहार मिले, एक कोई प्रिंसिपल साहब थे बलिया के, अयोध्या जी आए थे। सामान्यतः जब कोई मिलने आता था मैं परिचय पूछता हूँ, तो बताए बलिया घर बा बताई बाबा रिटायर्ड हो गए बनी, पैसा मिलल बा लेके ओकरी खातिर झगड़ा करता हूँ। हम कहे कि हमरे के दे दी, हम आश्रम बनवा ली, यही जा रहे ही। अब बोले नाती पोता बना से यही जा के तरह रहो, तो हम कहा फिर लेके ना के दे दी। अब आप सोचिए, सांप हम पहिरे हैं, नरसिंहवाला में छोड़ रहे हैं, अना सांप उतार रहे हैं, आखिर चिकित्सा क्या है? ये प्रसंग कह रहा है, संसार के सामान का बहुत संग्रह न किया जाए, वरना संसार वाले समनवा देख के बाबा से रोज मांगेंगे, हे बाबा अभिषेक करता नहीं, भौर सावन करो, मलिकार चल जा, तब ना पैसा भेटाई, गाड़ी में रखा होगा। विनोद, बोलिए नारायण। तो जितना धर्म करना है कर लीजिए, सत्संग करना है कर लीजिए, दान करना है कर लीजिए, बचे तो बालखंडी बाबा को भेंट कर दीजिए, रखने पर घरवा वाले खुदे चाहिए सकी कब जाइए। बड़ी खराब बीमारी है ये।